हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो आज आपको हम 1 किलो दूध के और ढेर सारे गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं वो बताते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने पैकेट वाला दूध लिया है 1 लीटर। इसका हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, अब इसको हमें काटना है। अगर आप पैकेट वाला दूध लेंगे तो दूध वो बहुत गाढ़ा होता है, वैसा वाला दूध लेंगे तो थोड़ा पतला होता है, इसलिए मैंने पैकेट वाला दूध लिया है। आपके पास में जो भी दूध है आप वही दूध ले सकते हैं। तो ये मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए 1 लीटर दूध लिया है। अब इसको अब हमें गैस पे रखना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल रखेंगे। जब तक हमारा दूध नहीं जल जाता तब तक हमें गैस का फ्लेम फुल रखना है और बीच बीच में इसको हम घुमाते रहेंगे। तो दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। इसकी जो साइडों में मलाई आएगी वो हमें नहीं चिपकानी, बीच बीच में हमें इस तरीके से इसको घुमाना है। और दूध को बिल्कुल गाढ़ा करना है। ये दूध देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल आधा दूध ही रह गया है हमारा। तो हमें थोड़ा इसको गाढ़ा और करना है। देख सकते हैं हमारा मावा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं दूध हमारा पूरा तरीके से जल चुका है। और ये मैंने लिया है 1 पैकेट मिल्क पाउडर, तो इसमें हमें मिल्क पाउडर डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही में हमें इसमें इलायची का पाउडर भी डालना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका बैटर को अब हमें निकालना है एक प्लेट में और ठंडा करना है। ठंडा करके इसको अच्छे से और भी मिक्स करना है आटे की तरह। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.25 लीटर पानी लिया है, 1/2 लीटर से ज़्यादा है थोड़ा पानी। और ये मैंने लिया है 1 किलो चीनी। तो चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी बनाना है तो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें इलायची के छिलके भी डाल देना है। तो गुलाब जामुन के लिए ये हमारा मावा, और मावा अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इस डो को आप चिकना नहीं करेंगे तो आपके गुलाब जामुन फट सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल चिकना और बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो गुलाब जामुन के लिए डो देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बना है मेरा ये डो। इतना सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो गुलाब जामुन के लिए, थोड़ा सा भी टाइट होगा तो हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं। तो ये डो तैयार है, अब हमें चाशनी को देख लेना है। तो चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है, हमें 1 तार की चाशनी चाहिए गुलाब जामुन के लिए। तो चाशनी को साइड में रखें और ऑयल को गर्म कर लेंगे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। चाशनी हमारी तैयार है। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। और तब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम गुलाब जामुन की लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेते हैं। आपको जितनी शेप में गुलाब जामुन बनाना है, मोटा या थोड़ा पतला, तो उस शेप में आप बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल थोड़े छोटे शेप में बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फूलेंगे।
सभी की इस तरीके से लोई तोड़ लेते हैं। सबसे पहले अब इसको हमें बिल्कुल गोल शेप में देना, इस तरीके से मसल के इसमें एक भी स्केच नहीं होने चाहिए। तो देख सकते हैं गुलाब जामुन में एक भी स्केच नहीं है। हमें इस टाइप से गुलाब जामुन को बिल्कुल गोल कर लेना है। तो ये मैंने आधे गुलाब जामुन बना लिए। अब इसको हमें तेल में डालना है। तो ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है, मैंने कम गैस पे ऑयल को गरम किया है। तो इसमें हमें गुलाब जामुन को डालना है। अगर आप ज़्यादा गैस का फ्लेम रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बाहर से सिक जाएंगे पर अंदर से आपके जो गुलाब जामुन नहीं सिक पाएंगे, इसलिए हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। और जितने आपके एक साथ में आ सके गुलाब जामुन उतने आप डाल सकते हैं कढ़ाई में। और अब इसको हमें चमची की मदद से घुमाना है इस तरीके से, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। और मैंने इसका कितना छोटा साइज में बनाया है गुलाब जामुन, ये फूल के डबल साइज में हो जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। इसका हमें डो का बहुत ही ध्यान रखना है। गुलाब जामुन बनाते टाइम में अगर डो आपका थोड़ा सा भी टाइट रहेगा, सॉफ्ट नहीं होगा, तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको अब हमें 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस पे पकाना है ताकि ये गुलाब जामुन अंदर से भी बिल्कुल इनके अंदर चाशनी जा सके और अच्छे से परफेक्टली पक सके। ये देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन एक भी नहीं फटा है, कितने परफेक्टली कितने फूल चुके हैं। मैंने कितना इसका छोटा साइज बनाया था तो कितने बड़े हो चुके हैं। तो आप इस ट्रिक से जरूर एक बार गुलाब जामुन बना के ट्राई करें। इसको हमें बीच बीच में इस तरीके से चलाना है ताकि चारों तरफ से अच्छे से इनकी सिकाई हो सके। तो ये देख सकते हैं इनका कलर भी कितनी अच्छी तरीके से, कितना अच्छा आया है कलर गुलाब जामुन का। और ये देख सकते हैं एक भी गुलाब जामुन में स्क्रेच नहीं आई, ये देख सकते हैं। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है इस टाइम में। अगर आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएंगे किसी भी चीज की तो आपकी हलवाइयों से भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे गुलाब जामुन। अब इसको इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब निकालेंगे और चाशनी में डालेंगे। तो अब हमें बाकी के गुलाब जामुन भी डाल देते हैं और इनको भी हमें इसी टाइप से सेक लेना है। ये मैंने सभी गुलाब जामुनों को चाशनी में डाल दिया है। तो इसको अब हमें चाशनी में 2 घंटे के लिए रखना है ताकि इनके अंदर अच्छे से चाशनी जा सके। तो 2 घंटे के लिए ढक के रख देना है। तो गुलाब जामुन बनकर के हमारे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन को हमें कट करके दिखाना है तो देख सकते हैं कितनी आसानी से इनके अंदर चाशनी जा चुकी है। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चाशनी इनके अंदर जा चुकी है। तो हमारी सिंपल तरीके से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।